जिला स्कूल पूर्णिया में नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ उद्घाटन। भरत नाट्य कला केंद्र पूर्णिया द्वारा भारत स्काउट और गाइड जिला स्कूल परिसर में नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। भरत नाट्य कला केंद्र के अध्यक्ष मिथिलेश राय ने बताया, इस कार्यशाला के आयोजन से यहां के नए कलाकारों को अच्छे अनुभवी निर्देशकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उन्हें अपने कला के क्षेत्र में आगे जाने का बेहतर विकल्प मिलेगा और हमेशा निर्देशकों का सहयोग मिलेगा। उद्घाटन समारोह के अंत में भरत नाट्य कला केंद्र पूर्णिया के सचिव उमेश आदित्य ने भी कहा कि भरत नाट्य कला केंद्र के नियमित कार्यक्रम के तहत इस संस्था से जुड़े हुए नए कलाकारों को प्रशिक्षण देने हेतु नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो लगातार एक महीने तक चलेगा, जिसमें कलाकारों को रंगमंच से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित सभी तरह के विधाओं की महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन आकाशवाणी पूर्णिया के कार्यक्रम प्रधान श्री निवास सहाय द्वारा किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पूर्णिया कॉलेज के प्राचार्य मोहम्मद कमाल, महिला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार सिंह एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत स्काउट गाइड एवं जिला मुख्य आयुक्त श्री विनय कुमार उपस्थित रहे। भरतनाट्य कला केंद्र के नियमित कार्यक्रमों में शामिल है कलाकारों का प्रशिक्षण। हर साल जो हमारे साथ जो नए कलाकार जुड़ते हैं उन्हें हम ट्रेंड करने की कोशिश करते हैं, प्रशिक्षित करने का प्रयास करते हैं कि रंगमंच क्या है, कैसे होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, क्यों इसकी आवश्यकता है, रंगमंच के कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन सी विधाएं हैं रंगमंच में शामिल, इस सब की जानकारी कलाकारों को हम देते हैं। यह इत्तेफाक है कि अनलॉकडाउन की प्रक्रिया के बाद अब सरकार ने इसकी इजाज़त दे दी है कि हम कुछ सीमित बंधनों में कार्यक्रम को कर सकते हैं, करें। तो इसी की शुरुआत एक तरह से प्रस्तुति परक नाट्य कार्यशाला होगी। यह 30 दिनों की 2 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक चलेगी प्रत्येक दिन, और इसमें नाटक जो तैयार किए जाएंगे, कविताएं तैयार की जाएंगी, कविताओं का मंचन होगा। फ्रेंच काफ्का के नाटक मकबरे का रखवाला का मंचन किया जाएगा। इसके बाद तैयारी के बाद अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है, उसकी तैयारी की जाएगी, उसका मंचन किया जाएगा। और एक दो नाटक जिसका पाठ अभी जारी है, जैसे मोलियर के द हिप्पोक्रेट्स का अनुवाद ढूंगी, उस पर भी हम लोग काम करेंगे, ऐसी संभावना है। या उसके अलावा कोई और नाटक का चयन हम लोग इसी कार्यशाला के दरमियान शुरुआती 2-3 दिनों में कर रहे हैं। कहाँ कहाँ के कलाकार इसमें? कलाकार पूर्णिया शहर के हैं, पूर्णिया से बाहर कस्बा के हमारे कलाकार शामिल हैं, जो दूर दराज के गांव में है, मिल्की है, रंगपुरा है, वहाँ के कलाकारों का भी इसमें आगमन है, वो आएंगे। उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? आज इस कार्यशाला का उद्घाटन किया आकाशवाणी पूर्णिया के जो केंद्र प्रधान है हमारे श्री श्रीनिवास सहाय जी ने किया, और हमारे मुख्य अतिथि रहे पूर्णिया कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद कमाल साहब, और महिला कॉलेज पूर्णिया के प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी रहे। मौजूद हमारे साथ आकाशवाणी पूर्णिया के निदेशक श्री विजयेंद्र प्रसाद जी रहे, विनय कुमार जी रहे जो भारत जिला गांव स्काउट और गाइड के जो जिला प्रमुख आयुक्त है वो रहे, आपका परिचय स्काउट गाइड के सचिव रहे। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि आज एक शुरुआत हुई है और ये कार्यक्रम 30 दिनों तक चलेगा, 30 फरवरी तक। और आप सबों के प्रति हम आभार भी व्यक्त करते हैं कि आपने बहुत समय देकर हमें। आप अपना परिचय दें। मैं उमेश आदित्य, सचिव सह निदेशक। कि यहाँ के नए कलाकारों को ऐसा मौका मिले जिससे कि वो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग ले सकें, प्रशिक्षण ले सकें अनुभवी निर्देशकों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, और फिर रंगकर्म को आगे बढ़ाने में उनका कंट्रीब्यूशन मिलता रहे। भरत नाट्य कला केंद्र परिवार यहाँ जो जितने बुद्धिजीवी आए उनमें बहुत सारे हमारे प्रशिक्षक भी हैं जो कि इस कार्यशाला में आएंगे और अपना को शिरकत करेंगे। साहित्य कला संस्कृति को मजबूती प्रदान करने के लिए भरत नाट्य कला केंद्र निरंतर कार्यरत रही है, और इसी को और आगे बढ़ाने के लिए ये अब स्पष्ट रूप से दिखेगा कि यहाँ के लड़के, यहाँ के बच्चे, यहाँ के कलाकार किस तरीके से क्या काम करते हैं। पूर्व से ही पूरे भारत के स्तर पर, राज्य के स्तर पर कई सारी भूमिकाओं में यहाँ के कलाकार आगे आए हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर सम्मानित होते रहे, पुरस्कृत होते रहे और पूर्णिया का नाम रोशन करते रहे हैं। इसी कड़ी में ये एक वर्कशॉप जो चलाया जा रहा है उसका पर्पस लगता है आप लोगों के सौजन्य से सफलता की ओर बढ़े। जी, आप अपना परिचय दें। मैं मिथिलेश राय हूँ, भरत नाट्य कला केंद्र का मैं अध्यक्ष हूँ और रंगकर्म को मेरी सेवा है।